हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लड़के अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं विद अ नेचुरल लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद अ मॉइस्चराइजर। सो सबसे पहले अपना फेस वॉश करने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए जो अच्छी कंसिस्टेंसी का हो। जितना अमाउंट आपको लगे आप उतना ले लीजिए अपने हाथ में, रब करके अपने पाम पे, स्टार्ट विथ योर नोज एंड रब इट ऑल ओवर योर फेस नाइसली एंड जेंटली मसाजिंग एक्शन के साथ। ऐसी रेस में ज़रूर फोकस कीजिए जहाँ पे ऑयल निकलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। नेक्स्ट आप अपने फाउंडेशन के साथ जाइए। सो मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लू हेवन का है विथ अ लाइट शेड। जहाँ जहाँ पे भी आपको कवरेज चाहिए वहाँ वहाँ पे भी आप एक स्वाइप ले सकते हैं फाउंडेशन का। गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन ना लेते हुए कम क्वांटिटी में लेके स्टार्ट करिए, और उसके बाद ब्लेंड करने के बाद अगर आपको कहीं नीड लग रही है तो आप थोड़े और फाउंडेशन के साथ जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे काफ़ी ब्लेमिशेस है, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उन्हें कवर करूँ और ना भी करूँ। ना करूँ इसलिए ताकि एक नेचुरल लुक आए, क्योंकि लोग जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मुझे मार्क्स है। अगर मैं पूरी तरह कवर कर लूँगा तो उन्हें समझ में आ जाएंगे कि मैं मेकअप कर लगाया है। सो जितना नेचुरल हो सके मैं उतना नेचुरल करने की कोशिश करूँगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़के हैं तो मेकअप नहीं कर सकते, मेकअप हर कोई कर सकता है जो भी चाहे। गर्दन पे भी अप्लाई कर रहा हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन लग जाए उसके बाद आप चाहे तो ब्लेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज कर रहा हूँ। अपने बालों को साइड कर लीजिए ताकि फाउंडेशन आपके बालों पे ना लगे। मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। सो मैंने स्टार्ट किया है फोरहेड से, मैं रब कर रहा हूँ और पफिंग एक्शन के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। मैं ऑल्टरनेटली बफ भी करते जा रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लुक एंड मिनिमम कवरेज, या फिर बोल सकते हैं एवरेज कवरेज मिले नेचुरल लुक के लिए। ज़्यादा भी ज़्यादा फाउंडेशन को लगाना आप व्हाइटिश लुक देख सकता है फ्लैश में, अगर आप फोटोग्राफी के लिए मेकअप कर रहे हैं तो। सो ब्लेंड ऑल दैट फाउंडेशन इन योर स्किन, बफिंग एक्शन, रबिंग एक्शन, स्लाइडिंग एक्शन, ऑल्टरनेटली करते जाइए जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड ना। तो आफ्टर ब्रश मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ और टैपिंग मोशन के साथ उसे स्किन पे टैप कर रहा हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एक्स्ट्रा फाउंडेशन को ले लेगा, अपने अंदर सोक कर लेगा, जो मेरी स्किन पे बाद में पैचीनेस दिखा सकता है। आफ्टर दैट ये मेरी सिस्टर कंटूर किट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटूरिंग करने के लिए। गाइस कंटूरिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज डार्कर शेड्स। डार्क शेड यूज करते हैं ऐसे सेशंस में जहाँ पे हम अपने चेहरे को या नोज को पतला दिखाना चाहते हैं। सो स्टार्ट करिए अपने कानों के कॉर्नर से लेके अपने होठों तक एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन एज यू विश। गाइस आपको एक डार्क शेड लेना है लाइक ब्राउन शेड, बिल्कुल मत डरिए, गो अहेड एंड पुट ऑन दैट ब्राउन शेड। बाद में हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, वो सीमलेस लगेगा। इससे आपके गाल थोड़े पतले दिखेंगे, एक इल्यूजन मिलेगा आपके चेहरे को पतला होने का। यहाँ पे मैं नोज कंटूरिंग कर रहा हूँ एक फ्लैट ब्रश के साथ। सो जो आपका ब्रिज नोज है या फिर आपकी नोज की बोन है उसे साइड साइड में एक ब्राउन लाइन बनाएंगे दोनों तरफ, जैसे आपको लगे टैपिंग मोशन के साथ या फिर स्लाइडिंग के साथ। इससे आपकी नाक थोड़ी छोटी दिखेगी। फोरहेड पे भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका माथा थोड़ा छोटा दिखे, एंड अपने लिप्स के नीचे भी।
मैंने अपनी लिड्स पे थोड़ा लाइट शेड यूज़ किया है, जैसे कि वो डार्क है, बिकॉज मैं स्पेक्स पहनता हूँ तो वो डार्क है थोड़ी सी। अंडर आईज को थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने एक लाइट शेड यूज़ किया है। सो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस, जो ब्लेंडिंग आप कंटूर की करेंगे जो आपके चिक्स पे है, उसे ज़्यादा मूव ना करें और ब्रश का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन जो है वो सूख चुका है। अगर आप ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो फाउंडेशन पैची हो सकता है, इसलिए जस्ट टैपिंग एक्शन के साथ आप ब्लेंड करना स्टार्ट करिए और उसे उसी के ऊपर ब्लेंड करिए, ना कि इधर उधर। नोज को काफ़ी ध्यान से ब्लेंड करिएगा बहुत ही सॉफ्ट टैपिंग एक्शन के साथ, ताकि आपका कंटूर का जो क्रीम है वो ना निकले या फिर फैले। आप देख सकते हैं एक पतली नोज का एक इल्यूजन आपको दिख रहा है। आईज, अंडर आईज ब्लेंड करते जाइए करते जाइए, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो आप ब्लेंड कर सकते हैं। फोरहेड पे ब्लेंडिंग कर रहा हूं मैं अभी। गाइज, ये जो मैं लुक बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी सिंपल मेकअप है और नेचुरल मेकअप है, जो कि आप नॉर्मल पार्टीज में कर सकते हैं या फिर फोटोशूट के दौरान आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक छोटी सी मैजिक ट्रिक। अब मैंने जो एक फ्लफी ब्रश लिया है, पाउडर ब्रश, और कॉम्पैक्ट यूज कर रहा हूँ मैं ओवल का लाइट शेड। पाउडर लीजिए और टैप करिए ब्रश को, जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो गिर जाएगा, और बहुत ही लाइटली उसे टैप करिए पहले अपने फोरहेड पे, स्वाइपिंग एक्शन से पाउडर लगाते जाइए। जो पाउडर है वो आपके फाउंडेशन को आपकी स्किन पे लॉक कर देगा। हल्के हल्के टैपिंग मोशन के साथ अपने चिक्स पे, आईज पे, नोज पे, हर जगह हल्का सा पाउडर की क्लियर लगाइए। पाउडर लगाने से जो अनइवननेस है या फिर शाइनिंगनेस या ऑयलीनेस फाउंडेशन की, वो हट जाती है। अब देख सकते हैं मेरी स्किन अब काफी अच्छे शेड में। गाइज, ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, जो मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। मैंने रिसेंटली ट्रिम किया है तो मेरी बियर्ड काफ़ी लाइट दिख रही है, तो मुझे हल्का सा डार्कन करना है जस्ट अ लिटिल बिट शेपिंग के लिए। तो मैंने, जैसे कि पिछले वीडियो में, मैं काजल और एक ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाली पार्ट डिटेल में देखनी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बियर्ड को एक स्लाइटली शेप में लाया है। हल्का सा काजल लेके स्टार्ट करना है, ज़्यादा लेके नहीं तो आपको बहुत ही नकली सा एक लुक आएगा, जो काफ़ी लोग जज कर पाएंगे। बहुत ही लाइटली लगा रहा हूँ। ये स्टेप बहुत ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना कर सकते। भी मैं अपने आईब्रोज हल्के से फिल कर रहा हूँ, एक्चुअली फिल नहीं कर रहा हूँ, जो उसे रिडिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करते समय हल्का सा फाउंडेशन लगेगा ही आईब्रो। सो एक वाइटिश लुक आएगा, सो जस्ट मैं एक रिडिफाइन कर रहा हूँ अपने आईब्रोज को। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ब्लैक और थिक दिख रहे हैं मेरे आईब्रोज। गाइस, एक लिप बाम है, इट्स नॉट अ लिपस्टिक, जस्ट मेरे लिप्स हल्के से मॉइस्चराइज दिखे या हल्के पिंक, इसलिए मैंने बनाया है। सो दिस इज द फाइनलाइज्ड लुक गाइस। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, एंड आप बियर्ड के ट्यूटोरियल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हैं। थैंक यू।